आर्टशिप पार्षद की तैयारी कर रहे हैं चुनाव तो मैं पिछले 7 साल से लड़ रहा हूँ। जी। 7 साल हो गए मेरे को चुनाव लड़ते हुए, और वार्ड में मेरे को किसी को ये बताने की नहीं जरूरत तक भी मैं कौन हूँ। हर घर से मैं वाकिफ हूँ, हर घर में जाता हूँ, आज नहीं हमेशा से हर घर में जा रहा हूँ। तो जिस तरह से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या क्या आपके वार्ड के मुद्दे हैं, किन को देखते हुए आपने ये आशंका जताई कि मैं चुनाव की तैयारी करूं? मुद्दे जैसे पानी की समस्या है, गलियों का बहुत बुरा हाल है। मैं तो कई गांव में, मैं भाई साहब के गांव में बताऊं कि जगडोली का तो इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। तो कोशिश करेंगे, जहाँ डिस्ट्रीब्यूट है लोगों को आपस में बैठा के समझा के उनका विवाद मिटा के उन गलियों का समाधान करेंगे। और स्पोर्ट्स को मेरा एक मेन मोटो कि अपने जो इलाके में ना स्पोर्ट्स का बहुत स्तर लो है, उसको थोड़ा ऊंचा उठाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कैसे भी करके। जी मेरे को कुछ भी करना पड़े अपने भी यहाँ से मैं स्पोर्ट्स को थोड़ा सा आगे ले जाना चाह रहा हूँ। अभी तक अगर देखा जाए तो काफी समय से पंचायती राज हमारे प्रदेश में चल रहा है। वहीं बातचीत कर लें तो काफी जिला पार्षद भी रह चुके हैं और आप भी जिला पार्षद की दौड़ में शामिल हैं, भावी प्रत्याशी हैं। किस किस मैनिफेस्टो को लेकर, किन किन घोषणाओं को लेकर आप चुनाव लड़ने वाले हैं? घोषणा मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जैसे गांव में कई गांव ऐसे हैं जिनको गलियों का बहुत बुरा हाल है, जी उन गलियों का वो आपसी दो पड़ोसियों की वजह से उनका डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, तो जी उन दोनों पड़ोसियों के साथ मैं पास जाऊंगा और दोनों को बैठा के उनका समाधान करके उन गलियों का भी समाधान होगा। क्योंकि सरकार ने गलियां बनाने में और जो भी काम है पैसा देने की कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी कभी कहीं सटे आ जाती है। कोई कहता मेरा लेवल नीचा है, कोई कहता उच्चा है। तो दोनों पड़ोसियों को समझा के, ये नहीं उनका विवाद बढ़ा के, समझा के उन गलियों का समाधान करेंगे। पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा था और लगभग लगभग जीत के करीब थे, बहुत कम वोटों से आपकी हार थी वो हुई थी। क्या मानते हैं पिछली बार की तुलना में अब की बार जो रिजल्ट है उसमें कितना कुछ जो इम्पैक्ट है वो पड़ सकता पिछली है? बार मेरा छोटा भाई जीता है जी और मैं, यही मेरे में खुद की कमी थी, मैं मेहनत मैंने कम की, लेकिन अब की बार उस जो भी मेरे पिछली बार जो कमियां रही उनको मैं मिटा के और उससे दुगनी मेहनत करूंगा। ये बातचीत कर ले तो वार्ड नंबर 8 से आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, एक आपके जो प्रतिद्वंदी है वो भी मैदान में है, आप भी मैदान में जी हैं। जी आप में ऐसा खास क्या है जो वार्ड नंबर 8 की जनता आपको वोट दे? खास तो मैं क्या बताऊं, लेकिन ये है कि मेरी 7 साल की मेहनत है, जी लोगों को विश्वास है, मैं लोगों के बीच रहा हूं। जिस तरह से लगातार हम भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, सर्वे भी कर रहे हैं, दोनों ही प्रत्याशी हैं, दोनों बराबर की दौड़ में चल रहे हैं, तो इस दौड़ में आप अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हैं? मैं तो मेरे को सबसे आगे खड़ा देखूंगा, दो नहीं जी प्रत्याशी तो शायद और भी आएंगे, जी और मैं 7 साल से लड़ रहा हूं तो जी मैं सभी का मोस्ट वेलकम करूंगा। जी अगर जो भी भाई आना चाहे, ये इस चुनाव में जो भी आना चाहे सभी का मोस्ट वेलकम है। अपने खुशी से लड़ो, कोई मतभेद नहीं होना चाहिए आपस में, और मैं तो यही कहूंगा कि भाई किसी से कोई द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। चुनाव है, चुनाव लड़ना भी चाहिए, जो भी भाई आए उसका वेलकम है। रानी जीवन जी, अगर देख ले तो वार्ड नंबर 8 से पहले पार्षद रहे हैं और जब चुनाव होते हैं तो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े घोषणाएं, जनता को अपने आप का हितैषी बताया जाता है, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पहले भी प्रत्याशी रहे लेकिन उसके बाद वार्ड में जाकर के जनता की सुध भी नहीं लेते। हालांकि आप जनता के दुख सुख में भी शरीक रहते हैं, सामाजिक तौर पर आप शामिल रहे हैं, लेकिन वहीं अगर प्रत्याशी की बात कर ले तो चुनाव के समय जनता के बीच बने रहते हैं और उसके बाद में अचानक से गायब हो जाते हैं, चाहे वो प्रोजेक्टेड कैंडिडेट हो, चाहे भावी प्रत्याशी हो, या फिर वो जीतने वाला हो या फिर हारने वाला हो। देखो, वार्ड के पहले वार्ड में, मेरे वार्ड में 17 गांव थे जी और 3 गांव नए जुड़े हैं, सुंदर, कोका और जिघावन। जी मैं उन 3 गांव को तो शायद नहीं बोल सकता, लेकिन जहां 17 गांव पहले थे जी उन गांवों में जाके आप पूछो। हाकि मैं लगातार 5 नहीं 7 साल से लगातार मैं उनके बीच हूं, ना मैंने कोई वादा किया और जो भी मैंने उनके बीच में बोला था, मैंने ना बन के भी उनके बीच में जाके जो मेरे लायक जो काम हुआ मैंने किया है। जीवन राम जी, पंचायत सत्र के चुनाव होने वाले हैं, आप भी पिछले 7 साल से सक्रिय हैं, राजनीति में उतार चढ़ाव, उथल पुथल भी आपने देखी है। क्या लगता है कि जो छोटे स्तर की पंचायत स्तर की राजनीति है उस पर कितना इम्पैक्ट, अगर बात कर लें विधायक स्तर की, तो कितना कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, या जो चुनाव है वो बड़ी राजनीति से कितने प्रभावित हो सकते हैं?
देखो बड़ी राजनीति का तो मैं इतना नहीं बता सकता, लेकिन छोट जब जब एजुकेटेड मेंबर आएंगे तो राजनीति में अपने आप सुधार हो जाएगा। आप भी एक बड़े राजनेता के संपर्क में हैं, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, आप भी जानते हैं। लोग कयास लगा रहे हैं कि भाई हो सकता है कि अब की बार चुनाव में जो बड़ी राजनीति है उसका सहारा मिले। बड़ी राजनीति का सहारा तो देखो हमेशा रहे मेरे सर पे, जी और संपर्क ऐसी बात नहीं, सभी से रहते हैं। मैं मिला तो आदमी हूँ, जी ये नहीं मैं किसी से कभी कोई द्वेष भावना नहीं रखता। तो वार्ड नंबर 8 की जनता है आपको आने वाले समय में एक जिला पार्षद के रूप में देख रहे हैं और आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन आप वार्ड नंबर 8 की जनता से रखते हैं? जनता के तो मेरे को विनर घोषित उन्होंने तो कर दिया, जी लेकिन मेरा काम है मेहनत करना। जी मैं मेहनत करूंगा, सभी को ये पता है कि मैं दिन रात मैंने 5-6 साल जो भी है एक इस बी सॉरी 8 नंबर वार्ड को दिए। जी आखिरी एक सवाल है कि वार्ड नंबर 8 की जो जनता है उसको आप चुनाव को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? चुनाव को लेकर ये संदेश जाऊंगा देना चाहूंगा कि मैं आपके हर दुख सुख में साथी रहा हूँ और हर खुशी गमी में साथी रहा हूँ, और मेरे को वोट दें, मेरी धर्मपत्नी को वोट देके उनको मेरे विजय बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर हमारे साथ आज मौजूद रहे जीवन राम जी, जो वार्ड नंबर 8 से जिला परिषद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछले काफी समय से जनता के दुख सुख में शामिल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि अपने किए गए वादों पर ये खरे उतरेंगे, और अभी तक तो खरे उतरते भी आए हैं, चाहे वो दुख सुख की बात कर ली जाए, तो आप इन्हें वोट दें, सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा इनका सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी।